निजामी साहब की गाड़ी को क्या हुआ और मैकेनिक ने क्या काम किया? ने पैसे लिए और उसकी क्या हकीकत है, सब हकायक बताते हैं। चलिए चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह पीछे आपने वीडियो में देखा हो अकरम निजामी की गाड़ी के साथ एक प्रॉब्लम आया, तो वो प्रॉब्लम क्या था आज हम हवाले से आपको बताएंगे, वीडियो की हकीकत भी बताएंगे। मेरा नाम इम्तियाज है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जी अकरम निजामी साहब जिला कोटद्दू के अंदर तशरीफ लाए, वो किसी अपने दोस्त को मिलने आए थे और किसी यूट्यूबर साहिबान को। शदीद गर्मी थी, हीट वेव थी, काफी सफर करके आए थे, इसकी वजह से जो उनकी गाड़ी था उसका एसी का भी प्रॉब्लम हो गया और गाड़ी के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। कोटद्दू के नवाही इलाके में रुक, जहाँ पर वो एक मैकेनिक को मिले। अच्छा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई आवाम की और लोग दर्जनों सेल्फियां भी बनाने लगे। अकरम निजामी साहब ने मैकेनिक को बुलाया, जिस तरह पीछे आपने वीडियो में देखा कि यार मेरी गाड़ी का ये प्रॉब्लम है। मैकेनिक ने गाड़ी को खोला और जो उसमें प्रॉब्लम था वो उसने देखा और वो अच्छा करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, तो मैकेनिक ने क्या किया, मैकेनिक ने जो भी प्रॉब्लम था उसे ठीक कर दिया। जब मैकेनिक को अकरम निजामी साहब ने ये पूछा कि इसके पैसे कितने हैं, तो मैकेनिक ने कहा कि आप हमारे स्टार हैं, आप हमारे हीरो हैं, तो मैं आपसे पैसे नहीं दे सकता। तो अकरम निजामी साहब ने वहाँ पर उनके साथ सेल्फी भी बनवाई और फिर वो अपने सफ़र की तरफ चले गए। तो जो वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह उसकी हकीकत नहीं है, हकीकत ये है जो मैंने आपको बताई।